उनके यहाँ पे आप देखोगे, अगर उनके बारे में आप सोचोगे थोड़ा सा और देखोगे, तो आपको ये मिलेगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अगर कहीं पे कोई चीज़ है तो मॉनिटर करना शुरू किया है एजुकेशन को। अगर कहीं रेवोल्यूशन शुरू हुआ है तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ पे, कॉलेजेस पे कंट्रोल अपना बनाया, अपने हिसाब से एजुकेशन को दिया है ताकि रिवोल्ट ना हो सके। इसी तरीके से एजुकेशन को में जब, यानी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जब नफ़रत फैलाई जाने लगे, तो ये समझ लीजिए कि आप जो है फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस जो होते हैं वो नफ़रत के लिए नहीं होते, वो अच्छी शिक्षा, सही समझ डेवलप करने के लिए, लोगों के लिए होते हैं। और एक आइडियोलॉजी को अगर आप पढ़ाना शुरू करेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे फोकस करेंगे, तो आप मतलब एक तरह से बचपन में जिस तरह का आप उनको टीचिंग देते, होता ना एक फैमिली होती है, फैमिली जिस तरह की वैल्यूज़ देती है उसी तरह का इंसान जो है वो होता है। सबसे पहला स्कूल होता है फैमिली, और फैमिली जिस तरह की वैल्यूज़ देगी उसी तरीके का सिस्टम डेवलप होगा, उसी तरह का इंसान बनेगा, ठीक है, वही वैल्यूज़ लेकर इंसान बनेगा कि उसकी जो सोच होगी उसी तरह की होगी। और जो इस उसके बाद फिर आता है स्कूल्स, तो स्कूल में भी जो आपकी सोच है, आजकल आपने देखा बहुत सारा स्कूल में ही पॉइजनिंग हो रही है, माइंड को पॉइजन किया जा रहा है, बच्चों के दिमाग में मतलब नफरत डाली जा रही है। तो ये है कि जब वो उसी तरह की ग्रूमिंग होगी, उसकी वैल्यूज़ वो दी जाएंगी, तो जाहिर सी बात है वो बड़ा होकर भी, अगर आप पेड़ बबूल का पेड़ दोगे तो फिर आम तो मिलने से रहा, ठीक है, बबूल से कांटे ही मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे बात थी, तो इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बात की। दूसरा एक होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी एजुकेशन के ऊपर इन्होंने पहले कंट्रोल और उसका डेवलपमेंट की और उसको अपने हिसाब से करने की, उस पर सारा डिबेट रहा है। एजुकेशन के बाद में जो फिर आया है आपका एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जो प्रेस होता है, जाहिर सी बात है लोगों को अवेयर करने के लिए, फिर दूसरा हथियार जो होता है, जब कोई इंसान पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत ठीक है जो, लेकिन आजकल समाज में जो सोसाइटी में जो चल रहा है उसको, उसे अवेयर करने के लिए प्रेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मीडिया जिसको हम कहते हैं। उस समय प्रेस था, अभी मीडिया कह लीजिए आप, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब मीडिया को जो है वो अगर अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, मीडिया को गैग कर दिया जाए, मीडिया को खरीद लिया जाए, तो फिर जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से जो रियल न्यूज़ है, जो लोगों के हक की बात है, वो चीज़ लोगों तक नहीं पहुंचेगी और लोगों का माइंड वॉश किया जाएगा, क्योंकि हर कोई उतना एनालिटिकल स्किल लेकर नहीं बैठा है कि वो हर चीज़ को एनालाइज कर लेगा, सही और गलत में फ़र्क कर लेगा। बहुत सारे लोग वही देखते हैं जो उनको दिखाया जाता है, ठीक है, वो दूसरी बात नहीं देखना चाहते। और देखें आपके मॉडर्न एजुकेशन इंडिया के बारे में बात हो रही है कि वाई इट वॉज इंट्रोड्यूस, क्या वजह थी, कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थी, कौन रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज थी जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया के अंदर डेवलप किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तो एजेंसी थी जो करनी चाह रही थी एजुकेशन को डेवलप करना, एजेंसी रिस्पॉन्सिबल थी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया में लाने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा क्रिश्चन मिशनरीज भी चाहती थी कि इंग्लिश एजुकेशन वगैरह हो ताकि अपना वो धर्म वगैरह फैला सके। एनलाइटेंड इंडियन, जो इंडियंस पढ़े लिखे इंडियंस थे जो इंग्लिश एजुकेशन हासिल कर रहे थे, वो लोग भी चाहते थे कि एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में आए। तो ये कुछ लोग थे जो चाहते थे कि एजुकेशन इंडिया के अंदर आए। ब्रिटिश क्यों चाहते थे, वाई दे वांट, उनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाएगा, जाहिर सी बात है उनको क्लैरिकल लेवल के लोग मिल जाएंगे, उनके हिसाब से चलने वाले लोग मिल जाएंगे, तो उनके लिए तो ये मोटिव जो था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कन्वीनियंस हो जाएगा उनके लिए। एजुकेटेड इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा ब्रिटिश की तरफ जो है, ब्रिटिश रूल की तरफ ज़्यादा उनका टॉलरेंट एटीट्यूड होगा, टीजर डिस्पोज रहेंगे उनकी तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप मॉडर्न एजुकेशन में जैसी एजुकेशन दोगे उसी तरह की चीज़ों को पसंद करना शुरू करेंगे। एजुकेटेड इंडियन जो है वो कंज्यूमर भी होंगे ब्रिटिश प्रोडक्ट के, क्यों भाई, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो धोती कुर्ता पहनता है, और धोती कुर्ता तो वो लोग बेच नहीं रहे हैं, वो जीन्स पैंट बेच रहे हैं, और क्या नाम है जो आपका ब्रिटिश हैट बेच रहे हैं, और वहाँ के शूज़ बेच रहे हैं, तो उस तरह की जो चीज़ें वो बेच रहे हैं, बर्गर बेचना चाह रहे हैं मान लीजिए, इस तरह की जो वेस्टर्न प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वेस्टर्न सोच भी तो आदमी की होनी चाहिए, नहीं तो वो पसंद ही नहीं करेगा, वो पहनेगा ही नहीं, कोट पैंट कितना भी पहना हो, वो किसान है वो कोट पैंट नहीं पहन रहा, तो आप उसको बेच ही नहीं सकते उसको, तो आपका कंज्यूमर बेस तैयार होगा अगर ब्रिटिश एजुकेशन होता है। तो ये वजह है, अगर बर्गर खिलाना है मैंने बताया तो सोच भी तो होनी चाहिए बर्गर वाली, नहीं तो बर्गर क्यों खाएगा कोई। रिगार्डिंग पाव भाजी खाने वाला बर्गर कब खाएगा, कि पहले पाव भाजी खिलाओ, उसके बाद में पाव भाजी समझ में आ गया, उसके बाद में फिर उसी हिसाब से बर्गर खिलाओ। तो पाव भाजी से अगर बर्गर के शिफ्ट करना है इंसान को, तो सोच भी तो उसी तरह की होनी चाहिए चेंज, कि नहीं रहता। अब जो है जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको मोमोज वोमोज नहीं पसंद होता है, तो आप चाहे जितना मोमोज प्रोडक्ट खिलाओ, एक
मतलब कहो मार्केट में लिया हो, लेकिन जिन्होंने मोमोज का नाम ही सुना उसको खाते हुए डरेंगे, है ना, कहेंगे पता नहीं इसमें चाइनीज लोगों ने क्या मिला रखा हो, है। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है, जब एक दो बार खा लेते हैं तो फिर वो याद ही हो जाते हैं। तो इसीलिए एक हैबिट, आदत डालनी पड़ती है चीज़ों की, तो उसके लिए आपको उसी तरह की सोच भी होनी चाहिए, तब होगा। दूसरी चीज़ आपका मॉडर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर वाई इट वॉज इंट्रोड्यूस, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं दूसरी एजेंसीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक बात हुई कि भाई उन्होंने किया। दूसरा हमारा क्रिश्चियन मिशनरीज थी, तो क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या उसमें रोल था, जैसे एक सोच बदलना तो था ही, समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स के लिए था, ठीक है, लेकिन जो अंग्रेज ब्रिटिश मतलब गवर्नमेंट के लिए, क्रिश्चियन क्यों चाहते थे, उनको पता है क्रिश्चियन मिशनरीज क्यों चाहती थी, उसकी वजह थी, क्यों चाहते थे भाई, कि उनको अगर अपने रिलीजन को प्रमोट करना है तो उसके लिए इंग्लिश सबसे सुटेबल लैंग्वेज उनको दिख रही थी, कि उनका टेक्स्ट वगैरह इंग्लिश में थे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी वो मॉडर्न एजुकेशन से एक रैशनैलिटी पैदा करती, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता, और उससे क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करना ज़्यादा वो होता, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि जो क्रिश्चियनिटी है उस समय वो देवर मोर रैशनल देन द रिलीजन दैट वॉज प्रिवेलिंग इन इंडिया एट दैट टाइम। तो जो भी रिलीजन उस समय प्रिवेल कर रहे थे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा साइंटिफिक और रैशनल टेम्परामेंट था क्रिश्चियनिटी का, ये मतलब इस बात से साबित हो रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो रैशनल बातें करते, जब पढ़े लिखे आप रहते तो आपको बात समझ में आती है, और आप कहते हैं हाँ यार ये चीज़ कस्टम तो ठीक नहीं है, तो यानी क्रिश्चियनिटी ज़्यादा ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आती है। इसलिए वो मॉडर्न एजुकेशन को या अपने हिसाब से एजुकेशन देने को वो लोग तरजीह दे रहे थे। यूटिलाइजेशन ऑफ द वेपन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू फॉर कन्वर्जन, और मॉडर्न एजुकेशन को कन्वर्जन का एक यूटिलाइज वो भी बनाने के लिए, कि मतलब क्रिश्चियन बन जाए लोग, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा जो आपका है एनलाइटेड इंडियन, एनलाइटेड इंडियन क्यों इसके मॉडर्न एजुकेशन के फेवर में थे, उनको लगता था कि ब्रिटिश सोसाइटी का काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिया की मतलब जो है अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक रीजनरेशन होगा और इम्प्लीमेंट, क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा वो नहीं था ना, इंडिया के अंदर जो सोच थी वो ये धोती कुर्ते वाली सोच थी, जो लगान वाला आमिर खान है, और ये दिल चाहता है वाला आमिर खान, जो देखो कोट पेंट टाई, तो इस तरह से अगर इसको चेंज करना है, तो इसको भी लग रहा था कि अगर हम लोग मतलब इस तरह से कोट पेंट टाई पहनेंगे और चीज़ें करेंगे तो इसका मतलब हम लोग जो है थोड़ा डेवलप्ड हो जाएंगे, पॉलिटिकली अपलिफ्टमेंट हो जाएगा हमारा ये वो। तो एनलाइटेड इंडियन भी सपोर्ट कर रहे थे इसको कि मॉडर्न एजुकेशन को आएगा कि तो हमारा डेवलपमेंट होगा, ये चीज़ थी, ठीक है। और इसका स्टेप क्या लिया गया, तो स्टेप चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में सबसे पहले ए सम ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है, सेट असाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, नेटिव्स के लिए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के में 1 लाख रुपए अलग से रखा गया कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए नेटिव्स में। उसके अलावा जो है कमिटी बनाई गई पब्लिक इंस्ट्रक्शन की इन जनवरी इन इन द ईयर ऑफ 1823-24, तो एक कमिटी बनाई गई पब्लिक इंस्ट्रक्शन दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1823-24 में। यहाँ ये कमिटी जो थी ये किस तरह की एजुकेशन दी जाएगी, क्या होगा उसके ऊपर बात करने के लिए थी, कि इंडिया में एजुकेशन का क्या होगा, कितना स्पेंड किया जाए और क्या होगा, किस तरह की एजुकेशन दी जाए। तो एक कॉन्ट्रोवर्सी भी इस समय स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग इंग्लिशिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी कहते हैं। इंग्लिशिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी का क्या मतलब है, कि अंग्रेजी होगा या इंडियन एजुकेशन होगा, यानी इंग्लिशिस्ट मतलब हो गया अंग्रेज, ठीक है, और दूसरा इंग्लिशिस्ट, और दूसरा आपका ओरिएंटलिस्ट मतलब इंडियन या एशियन, तो क्या किस तरह का मतलब वो होगा। तो एक अप्रोच तो था कि इंग्लिशिस्ट अप्रोच होगा, जो कि मैकॉले का था। इंग्लिशिस्ट अप्रोच जो था या इंग्लिश अप्रोच जो था वो किसका था, एक कंट्रोवर्सी हुई कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की, कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मेथड क्या होना चाहिए एजुकेशन का। तो ये इंग्लिशिस्ट जो थे देवर दैट वॉज लेड बाय द मैकॉले, मैकॉले इस कमिटी का हेड था 1835 में, आपको पता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। तो ये बंदा जो था ये कह रहा था कि इंग्लिश में एजुकेशन होना चाहिए, मेथड ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। दूसरी तरफ विलियम जॉन्स थे, जिनको ओरिएंटलिस्ट जॉन भी कहा जाता है, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप थे, जॉन थे, और जॉन तो मतलब पहले से थे, लेकिन जो ओरिएंटलिस्ट जेम्स जो है, ये जेम्स प्रिंसेप जो है, इन्होंने इंडियन एजुकेशन में काफ़ी सारी काम किए थे, बहुत सारा संस्कृत वगैरह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो इन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ यूपीएससी के अंदर, कि किसने डिसिफर किया था गीता को सबसे पहले, तो इसमें और क्या नाम है, इसी तरीके से ओल्डेस्ट टेक्स्ट को कई सारे इसने डिसिफर किया था। तो जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने काफ़ी सारी संस्कृत को जो है मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट भी किया है। तो ये जो है इसको सपोर्ट करते थे, मतलब इंग्लिश एजुकेशन के बजाय इंडियन एजुकेशन को, इंडियन मतलब कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेज हो, इसको सपोर्ट कर रहे थे जेम्स प्रिंसेप। और उसके अलावा जो है आपका इंग्लिशिस्ट जो है उसको सपोर्ट कर रहे थे लॉर्ड मैकॉले।
अच्छा आप इसको देखेंगे, आपको ये वाला जो जेम्स प्रिंसेप वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2018 या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसने डिसिफर किया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये लॉर्ड मैकॉले जो है वो इंग्लिश के फेवर में था उसी टाइम पे। जेम्स प्रिंसेप ने, क्योंकि काफ़ी सारे काम भी कर चुके थे, उन्होंने ये बात कही थी कि क्या नाम है, इंडियन एजुकेशन, इंडियन जो लैंग्वेजेस है वो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। और जेम्स प्रिंसेप वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि वो क्या है कि कई सारे टेक्स्ट को डिसिफर करने वाला बंदा है, तो इसका नाम याद रखिएगा। दो बंदों का नाम इस साइड में याद रखिएगा, एक बंदा जेम्स प्रिंसेप और दूसरा जो है ओरिएंटलिस्ट जॉन। तो जॉन जो अभी आप थोड़ी देर पहले कल्चरल उसमें आपने देखा था, ओरिएंटलिस्ट जॉन, ठीक है, और दूसरा जेम्स प्रिंसेप, ये दोनों का नाम याद। उसके अलावा जो है अंग्रेज जो थे उनको मैकॉले के अंडर में, मतलब अंग्रेजी को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो मैकॉले के साइड में थे, और मैकॉले कह रहा था कि अंग्रेजी में एजुकेशन दिया जाना चाहिए, और उसको सपोर्ट करने के लिए राजा राम मोहन रॉय भी आ गए, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय को लग रहा था कि इंग्लिश एजुकेशन जो है उसको पढ़ कर लोग ज़्यादा रैशनल हो जाएंगे और ज़्यादा चीज़ों को का एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा लिटरेचर का एक्सेस हो जाएगा और ज़्यादा मॉडर्न थिंकिंग हो जाएगी, जिसको राजा राम मोहन रॉय भी सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश एजुकेशन को। फिर दूसरा एक कंट्रोवर्सी हुई कि कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन हो या क्या नाम है ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर पढ़ाया जाए, ठीक है। एक तो अच्छा आप लोग पहले बताओ, पहले पॉइंट पे आपको क्या लगता है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो अंग्रेजी होना चाहिए, इस पर पहले बात कर लेते हैं। फिर उस समय अगर आपको लगता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए था, एजुकेशन वो होना चाहिए था कि मतलब इंग्लिश होना चाहिए था या इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उस समय क्या कहते हैं, चाहिए कि कंटेंट क्या होगा, कंटेंट मतलब क्या है, टेक्निकल या वोकेशनल स्टडीज होनी चाहिए या जो है आपका ये क्या नाम है एजुकेशन के लिए, या ह्यूमनिटीज या लिटरेचर होना चाहिए, इन दोनों में से क्या होना चाहिए, टेक्निकल या वोकेशनल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, टेक्निकल या वोकेशनल होना चाहिए या जो है ह्यूमैनिटीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, आप लोग बताओ क्या सोचते हो, हैं टेक्निकल एंड वोकेशनल समझ रहे हो ना, टेक्निकल और वोकेशनल मतलब जैसे कि जिससे लोगों को जॉब अगर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर ये मानी जाती कि वो टेक्निकल और वोकेशनल स्टडीज कराई जाती तो ज़्यादा बेहतर थी, जरूरत दोनों की है, लेकिन उसमें कंट्रोवर्सी थी, तो उसमें इंडिया के लिए ज़्यादा बेहतर होता कि अगर उसको टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता, लेकिन वो नहीं किया गया क्योंकि उनको डर था कि अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप होगी तो हमारे सामान कौन खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है वो ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर ही यहाँ पे करेंगे, अंग्रेज अंग्रेज हमें टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे, नहीं तो ये टेक्नोलॉजी तो अभी भी देने को तैयार नहीं थे हम, ठीक है, तो हमने धीरे धीरे डेवलप किया। लैंग्वेज की बात बताया कि नेटिव्स को कौन सी लैंग्वेज में, कि इंग्लिश या वर्नाकुलर, तो इस पर पूरी लड़ाई थी। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब समझ लो हिंदी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, गुजराती, जितने भी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है सब वर्नाकुलर कहलाती है, ठीक है, वर्नाकुलर का ही मतलब होता है, ठीक है। अब मेजर एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी के तीन तीन तीसरा एस्पेक्ट था टारगेट, टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट होता है इसमें, यह थ्योरी मैंने बताया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, याद है किसी को, मैंने बताया है ना कि जब शुरू में जब अंग्रेजी और इसमें लड़ाई हुई है तो एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी चली थी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी कि आप जो है कुछ लोगों को पढ़ा दो, टॉप क्लास को पढ़ा दो, जो तो अपर क्लास है ना, दो थेरीज होती हैं, अपर स्ट्रेटा में लोगों को पढ़ा दो, वो खुद अपने लोअर वालों को पढ़ा लेंगे, ठीक है ना। एक ये होता है फ्यू इंडियंस को सेलेक्ट करके एजुकेट करो पहले और फिर वो मास लेवल पे एजुकेशन देंगे। दूसरा होता है थेरी कि मास लेवल पे आप एजुकेशन दो, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी और मास लेवल पे एजुकेशन। एक परिवार के अंदर आप ये समझो कि आपने एक बंदे को पिक किया, अगर उसको आपने एजुकेटेड बना दिया, एक ही बंदे को बना दिया, तो बाकी लोगों को वो खुद ही अप टू द मार्क ले आएगा, अप टू द अपर स्केल पे आ जाएंगे लोग, अपने आप ही वो उनको गाइड करेगा एंड दे विल रीच अप टू द मैक्सिमम। एक परिवार के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन पूरा देश हमारा एक परिवार की तरह उस समय नहीं था, एक नेशन की तरह नहीं था, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में डिवाइडेड सोसाइटी थी, अपनी अपनी कास्ट और अपने अपने रिलीजन को लेकर डिवाइडेड सोसाइटी थी, तो इतनी मोहब्बत नहीं थी लोगों में कि आप ये कहेंगे कि वो सब लोग एक मास लेवल पे जो है फ्यू इंडियन जो है वो एजुकेट कर देंगे सबको। तो ये बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, कि कुछ लोगों को उठा के क्या मैं
अपर क्लास में को एजुकेशन दिया जाए, कुछ इंडियंस को सेलेक्ट किया जाए, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए, तो दिस एजुकेटेड इंडियन जो है वो मासेस को एजुकेट करेंगे, ये वाली बात थी, ये डेवलपमेंट फिल्ट्रेशन की थ्योरी कहती है, लेकिन ये अप्रोच सही साबित हुआ नहीं। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट, यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट अप्रोच यह था कि ओरिएंटलिस्ट लर्निंग जो है शुड नॉट बी इग्नोर्ड। यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट जो लोग थे उनकी सोच ये थी कि ओरिएंटलिस्ट लर्निंग जो है, जो इंडियन लर्निंग है, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, और उन्होंने, उनका ये कहना था कि मॉडर्न एजुकेशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मास एजुकेशन जो है वो दिया जाना चाहिए एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से, जैसे जो मदरसाज हैं उन मदरसाज में ही मास एजुकेशन जो है वो मॉडर्न एजुकेशन को दिया जाए। ठीक है, ये इनका कहना था। इंग्लिशिस्ट का कहना था, उन्होंने लिखा इंग्लिशिस्ट ने 2 फरवरी 1835 के अंदर, 1835 के अंदर माइन्यूट आता है एजुकेशन का, जो कि लॉर्ड मैकॉले लेकर आता है। ठीक है, और वो जो माइन्यूट होता है, जो चीज़ें उसमें लिखता है और डिटेल देता है, वो वॉरेन हेस्टिंग को देता है। 7 मार्च 1835 को बेंटिक खुद, क्योंकि वो यूटिलिटेरियन बंदा था, यूटिलिटेरियन था, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की बात करता है, तो उसको भी लगता है कि अंग्रेजों का जो, इंग्लिशिस्ट का जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिशिस्ट जो है प्रपोजल ये एक्सेप्ट करता है वो, और उसके बाद में इंग्लिशिस्ट अप्रोच को एक्सेप्ट करने के बाद 1837 के अंदर इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं फॉर एजुकेशन, और पर्शियन को कोर्ट लैंग्वेज से भी अबॉलिश कर दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है, और ये सिस्टम 1854 तक वर्क करता है, जब तक, मैंने बताया था, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन नहीं आ जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार याद करो, डलहौजी पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि कोई डिस्पैच बताया था, मैंने कौन सा डिस्पैच बताया था, कौन सा डिस्पैच बताया था, मैंने बताया था कि ये मैग्ना कार्टा है एजुकेशन का, चार्ल्स वुड डिस्पैच बताया था ना, वुड डिस्पैच जो है दैट इज नॉन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द जो है आपका एजुकेशन सिस्टम। तब तक यही अप्रोच रहा है, जब वो चार्ज गुड डिस्पैच आएगा तो कहानी बदलेगी। मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ये जो है माइकल, ये मैकॉले माइन्यूट जो है, इसके अंदर तो इंग्लिश को कहा गया, मैंने बताया आपको, इसमें इंग्लिश को कहा गया एजुकेशन का मीडियम देने के लिए, और सारी चीज़ें हुई, इंग्लिश को अप्रोच किया गया, लेकिन ये दिस इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा आपको पता है कि मैग्ना कार्टा जो है रॉयल चार्टर है पॉलिटिकल राइट्स का, जो कि ब्रिटिश मोनार्क ने दिया था, जहाँ से एकदम पैराडाइम चेंज हुआ था, बहुत बड़ा चेंज हुआ था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रेंथन, बहुत पावरफुल हो गई थी, और जो रॉयल जो वो था पावर, किंग का वो पावर कम हो गया था, तो उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन जो है ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है, 1854 के अंदर आया है, और इसके अंदर जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उस टाइम, और इन्होंने एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें चेंजेस किए हैं काफ़ी चीज़ें। इट वॉज सेंट बाई द चार्ल्स वुड विच विज स्पेसिफाइड द नेचर ऑफ द एंड द मैथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द नेटिव्स, कि कौन कौन सी तरह की एजुकेशन दी जाएगी नेटिव्स को, इसके लिए ये लाया गया था मैग्ना कार्टा। और इसमें जो है, इसमें जो रैशनल इंग्लिशिस्ट अप्रोच है उसको मॉडिफाई करने की बात थी, जो मैकॉले माइन्यूट में दिया गया था। वुड डिस्पैच में ये था कि, मतलब कि कुछ बातें थी कि ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, और जो, मतलब क्योंकि इन लोगों ने भी वहाँ पे अपील उपील लगाया था इंग्लिशिस्ट, उन्होंने और इंग्लिश लोगों हारने वाले तो थे नहीं, अंग्रेज़ों ने अपना ऐड तो कर लिया, लेकिन फिर वहाँ पे जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह में और इंग्लैंड के अंदर उन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशनल एजुकेशन में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनको ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ से जब इनको मतलब इंस्ट्रक्शन मिला, तो 1854 में जाके वुड डिस्पैच ने हुआ, उसमें ये बात भी की गई कि ट्रेडिशनल एजुकेशन को भी सपोर्ट किया जाना चाहिए, और ये सपोर्ट ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए ग्रांट इन ऐड दिया जाएगा, मॉडर्न एजुकेशन भी इम्पार्ट की जाएगी इंग्लिश में, लेकिन जो है इन्होंने कहा वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, यानी इंग्लिश एजुकेशन मॉडर्न में दो, ये इसको मैग्ना कार्टा इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश को भी इसने रखा और वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी कहा कि इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, इंग्लिश जो है वो उन्होंने बोला हायर लर्निंग में एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी, और उसके अलावा जो डाउनवर्ल्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसको स्क्रैप कर दिया। लेकिन ये वाला जो वुड डिस्पैच है ना, इसकी ये वाली बात मुझे बहुत खटकती है, मुझे बहुत खटकती है बात, और मुझे आज भी इसकी चुभन महसूस होती है। उसकी वजह क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जब आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में जब आप पढ़ाने लगते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों का करियर तबाह कर देते हो। वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप जब पढ़ाते हो चीज़ों को प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे, तो आप बेस इतना बिगाड़ देते हो, ऐसे मतलब कर देते हो कि वो फिर उनको डबल मेहनत पड़ जाती है। तो वो साइंस, मतलब मैं कहता हूँ कि आप हिंदी पढ़ाइए, हिंदी लिटरेचर पढ़ाइए, लेकिन साइंस को हिंदी में मत पढ़ाइए।
कि अगर आपको बाद में इंग्लिश में पढ़ाना है, या तो पूरा चेंज कर दीजिए सिस्टम कि वो हिंदी में, फिर उनको लैंग्वेज की दिक्कत ना हो। क्योंकि जब लैंग्वेज की दिक्कत होती है ना तो बड़ी परेशानी होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं अच्छा खासा, अब सबको पता ही है कि मैं थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ, लेकिन जब मैं दिल्ली में आया और जब मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा था बहुत सारी चीज़ें, जैसे ली चार्ल्स लॉ था वो हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था, लासा तेलिए का नियम, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते थे। जैसे अब हम लोगों के यहाँ पे जो है नाम भी बदल देते हैं, जो कि नाम नहीं बदलना चाहिए, जिससे गुरुत्व आकर्षण का नियम, ठीक है, और गुरुत्व आघूर्णन का नियम, अब ये सब हिंदी है। अब यहाँ पे जो मुझसे कोई पूछता कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या मुझसे कोई पूछता कि एक्सेलरेशन, या मुझसे कोई बोलता कि क्या नाम है आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में तो उष्मा गति का पहला नियम आदमी बोल रहा है, चलो मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता भी था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो बोलता था आदमी, तो एक बार मुझे सोचना पड़ता था कि ये पूछ क्या रहा है, मुझे मतलब ये नहीं समझ में आता था कि पूछ क्या रहा है, ये भी दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपने फैमिलियर बहुत ज़्यादा हिंदी में सुनी हुई है, तो आप जब पहली बार इंग्लिश कोई बोल रहा है या कुछ चीज़ें, तो आपको पहली बार तो आपको पता होते भी हुए भी आपको साइंटिफिक वर्ड टर्म्स रिकॉल करने पड़ रहे हैं कि क्या था, या तो आप हिंदी में उसको समझाओ ठीक है, लेकिन उसका नाम जो है अंग्रेजी का प्रोनाउन उसको मत चेंज करो, ठीक है। अब अगर कोई क्या नाम है इंग्लिश है तो उसको इंग्लिश ही रहने दो, उसको हिंदी में नाम बदल के फिर वो करना। जैसे क्या ज़रूरत है कि सुकरात सॉक्रेट्स अगर आप पढ़ना ही है तो सुकरात बोलने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। अगर एरिस्टोटल, जब एरिस्टोटल पढ़ना ही है, ठीक है ना, जब एरिस्टोटल पढ़ना ही है तो अरस्तु बोलने का मतलब क्या है, आदमी कन्फ्यूज हो जाए। जब आपको प्लूटो पढ़ना ही है तो उसको क्या नाम है अफलातून अफलातून बोलने का मतलब क्या है, इसका मतलब प्लेटू बोलना है, तो क्योंकि फिर वो है ना कि वो सोचता है अफलातून कोई और है, प्लेटू कोई और है, अलेक्जेंडर कोई और है, सिकंदर कोई और है, अब वो क्लियर ही नहीं। आप नाम क्यों बदल रहे हो, यू शुड नॉट चेंज द नेम, ठीक है, जिससे क्या होता है दिक्कत होती है। और ये चीज़ें यहीं से हुई हैं कि इसमें उन्होंने जो कन्वर्जन किया, कन्वर्ट जो किया है, वो नाम भी हिंदी में कर दिया, फिर उसमें क्या हो गया ना कि बंदे को डबल मेहनत, फिर वो अंग्रेजी में जब करता भी है तो उसको फिर बार बार ये बताना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ये क्या वही चीज़ है, जानते हुए भी इंसान जो है पीछे रह जाता है। तो ये एक बहुत ही ख़राब चीज़, ये मेरे समझ से तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है, और इसीलिए मैं हिंदी मीडियम की एजुकेशन के या किसी भी रीजनल लैंग्वेज की मीडियम के बहुत खिलाफ हूँ। आप क्योंकि इंग्लिश में बचपन में जब आप एजुकेशन नहीं देते हैं और बाद में आप इंग्लिश कर देते हैं तो बच्चों को बहुत 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 हर्डल फेस करना पड़ता है, लेकिन अगर, और वो बहुत बाधा बनता है। अब आप ये सोचिए कि एक DPS का बच्चा यहाँ का जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उसका एक अच्छा इंग्लिश का लेवल होता है, और वही एक गाँव के आप किसी स्कूल के बच्चे से, चाहे वो वहाँ के इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाओ और चाहे वो वहाँ के हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, ये खासकर मैं हिंदी मीडियम से चलो कंपेयर कर लेता हूँ, उसको आप DPS के बच्चे से कंपेयर करवा लो, वहाँ के BA के वालों को करवा लो, एक तो मतलब टीचर्स को भी करवा लो, इंग्लिश ठीक से वहाँ भी पढ़नी नहीं आती है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यहाँ का DPS का 10th क्लास का बच्चा, और मैं कहता हूँ कि वहाँ के UP में जो है या बिहार में जो है कॉलेज के जो बहुत सारे जो कॉलेज में लड़के पढ़ रहे हैं, आप उनसे उनका कॉम्पिटिशन करवा लो, ये 10th का बच्चा ज़्यादा बेटर करेगा। ये नहीं कि इंग्लिश में ही, उसके एजुकेशन का लेवल बेहतर है, वो कम से कम फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें उनको समझता है, वो वहाँ पे कुछ नहीं समझ रहा। उनका तो प्राइम मिनिस्टर पूछ लो, देखो दुनिया भर की वीडियोस वायरल होती हैं, पूछ लो आपके क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट क्या होता है, आर्टिकल 370 क्या है, कुछ नहीं पता है, बस पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम बच्चों को इतना अच्छे से अवेयर है, तो एक बात यह है कि उनको थ्रू आउट एक मीडियम इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उसको समझ रहे हैं, दे आर गेटिंग इट। और वहाँ पे क्या है, एक तो ट्रांसलेशन वाली जो किताबें होती हैं, कौन इतना ब्रिलियंट हो जाएगा कि उसका ऐसा ट्रांसलेशन करे कि उसका मतलब भी ना बदले एकदम। ओरिजिनल टेक्स्ट तो इंग्लिश में है, ओरिजिनल जो लॉ बनते हैं इंग्लिश में बनते हैं, और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि अगर कॉन्ट्रोवर्सी होती है हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो इंग्लिश प्रिवेल करेगा, हर जगह ये बात है। तो आप हिंदी में पढ़ा के आप देखते हैं कि मैं एकदम फील करता हूँ कि अगर 10th क्लास का बच्चा जो है वो वहाँ के BA का ग्रेजुएट जो बच्चा है उससे बेहतर इंग्लिश लिख लेता है, उससे बेहतर लिटरेचर लिख लेता है, उससे बेहतर उसको नॉलेज होती है, दैट वी नो, ठीक है। मैं इस एकदम, मैंने पढ़ाया हुआ है इतने सालों तक, मैं जानता हूँ कि वहाँ पे बच्चे आते हैं। एक मैं यूपी बिहार से जो पढ़े हुए बच्चे हैं UP के, खासकर बिहार के, उनको मैं बोलता हूँ, अगर ठीक स्कूल से, बहुत अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े हैं, उनको बोलता हूँ कि आप 10 सेंटेंस इंग्लिश के ठीक से लिख दो, एक आर्टिकल लिख दो, दे आर नॉट एबल। और यहाँ मैं 8th क्लास के बच्चे को बोलता हूँ कि अच्छा सा ऐसे लिख दो, अच्छे लिख देता है आर्टिकल तो छोड़ो, अच्छी इंग्लिश लिखता है, ऐसा भी मैंने देखा है। तो ये जो एजुकेशन का वो किया है कि लोअर जो ये एजुकेशन है आपका, क्या नाम है जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है, जिसको जो हिंदी में किया है,
ठीक है, या बंगाली में, या जिन्होंने भी, उनको हमेशा दिक्कत फेस करनी पड़ती है हायर एजुकेशन में आके, फिर वो कम्पीट नहीं कर पाते, वो हमेशा इसी चीज़ से स्ट्रगल करते रहते हैं कि वो लिख लें ठीक से, लिख ही लें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जो मीडियम चेंज होता है ना वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर देता है, वो उसने बहुत तबाह किया हुआ, हिंदी मीडियम से जो इंग्लिश में गया और इंग्लिश से हिंदी में गया, ऐसे बहुत से लोग तबाह, कुछ लोग फ्यू, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल जो कर गए होंगे, लेकिन मास लेवल पर आप देखते हो, जब बात करते हो, जनरल बात करते हो, तो आपको देखते हैं कि करियर लोगों के तबाह हो गए हैं इस चीज़ को लेकर, मतलब जो चीज़ वो बहुत ईजिली अचीव कर सकते थे उसके लिए उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई, बहुत हर्डल हो गया उनके रास्ते में। तो ये मैंने फील किया है, फेस किया है, और इसका मुझे बहुत पेन भी है इस चीज़ का, कि हिंदी मीडियम में एजुकेशन बचपन में नहीं होनी चाहिए, मतलब वो सब्जेक्ट जो साइंस सब्जेक्ट हैं, जो सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, ये सब जिस मीडियम में आपको हायर में पढ़ाना है वही मैं बचपन से पढ़ाऊँ, ताकि उनको वो काम आए वो पढ़ाई, नहीं तो सारी पढ़ाई बेकार हो जाती है, वो सब भूल जाते हैं बच्चे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि उनको फिर दोबारा उसी तरह से पढ़ना पड़ता है, तो वो डबल मेहनत आप करवाते हो। ये एक साजिश भी है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो वर्नाकुलर बच्चे हैं, मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, उनको पीछे छोड़ने की, और इसीलिए आप देखते हैं हिंदी मीडियम का मुश्किल से यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन देख लीजिए, 30-40 सिलेक्शन, बहुत ज़्यादा, तो इस बार तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 30-40 सिलेक्शन होते हैं, 1000 में से 40 सिलेक्शन हो रहे हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के देखिए आप सिलेक्शन, और बाकी रीजनल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज में इतनी एजुकेशन आप दे रहे हैं, कहीं तमिल में पढ़ाया जा रहा है, कहीं मराठी में, उसके कितने होते हैं आप देख लीजिए परसेंटेज निकाल के, कि वर्नाकुलर लैंग्वेज के कितने हो रहे हैं, जबकि प्राइमरी एजुकेशन आप पूरी वर्नाकुलर कर रहे हैं, तो ये जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये माँ बाप को अब समझ में आने लगा है, लोग इंग्लिश मीडियम में भेजने लगे हैं, कुछ जाहिलों को छोड़कर लोग जो है समझते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बहस करेंगे, वो जाहिलियत है उनके और कुछ है, बहस करेंगे नहीं हमारी एजुकेशन बड़ी अच्छी है, तुझे पता भी है उस किताब में क्या लिखा है, जो घटिया सी किताब तू हिंदी मीडियम के लेकर आया है उसमें ओरिजिनल चीज़ पता भी है क्या लिखा हुआ है, और उसका उसने क्या ट्रांसलेशन किया हुआ है, हैं पता भी है, साइंस पता है, हाँ बहुत अच्छा, बस ग्लोरीफाई करने से नहीं होती चीज़ें, ठीक है, तो ये गड़बड़ है जो चीज़, जो गड़बड़ है, द थेरी ऑफ डाउनवर्ल्ड फिल्ट्रेशन थेरी जो है उसको स्क्रैप कर दी गई, क्योंकि ऊपर लोगों ने पढ़ लिया लेकिन नीचे लोगों को नहीं पढ़ाया, मतलब उतना उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उतने दिन से डेवलपमेंट नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मास एजुकेशन की गवर्नमेंट के ऊपर रहनी चाहिए, जाहिर सी बात रहनी चाहिए, आप अगर सोचो कि कुछ लोगों को पढ़ाकर उनको दिया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं रहेंगे, मास एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन, ये एजुकेशन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तभी होगा, ये मास मैग्ना कार्टा में कहा गया। यहाँ का एक पॉइंट मुझे जो है वो हर्ट किया, जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला, जिसका मैंने कॉन्सिक्वेंसेज देखे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं ठीक था, ठीक है। उसके बाद में फिर हायरार्की ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप की गई, यूनिवर्सिटी कलकत्ता के अंदर, मद्रास के अंदर और बॉम्बे के अंदर करी गई, सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मतलब बनाया गया हर प्रोविंस में, एवरी प्रोविंस, और इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स शुड बी एस्टेब्लिश, ये भी बात की गई कि जो है सेपरेट डिपार्टमेंट एजुकेशन का बनाया जाए हर प्रोविंस के अंदर, और ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को, ट्रेनिंग दी जाए, उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ये इन्होंने कहा, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को स्केप कर दिया, ठीक है, मतलब हटा दिया, और इसके अलावा जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मास एजुकेशन की वो गवर्नमेंट के हाथ में दे दी, ये सारी चीज़ें वुड डिस्पैच में हुई, ठीक है। अब इसमें व्हाट वाज द वीकनेस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की वीकनेस क्या थी, इस पर थोड़ी सी देख लीजिए, कि इसका पर्पज इंडियंस को अपलिफ्टमेंट करना नहीं था, इट वॉज मीन टू सर्व द कॉज ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। इसमें मैं, मुझे जो दिखता है, मैं अपनी बात कह लेता हूँ, मेरा मन करता है कहने का, कह लूँ, अरे कह लेने दो यार, हाँ मतलब मैं इसकी बात नहीं, मैं अपनी बात कह लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये लोग चाहते थे कि वीकनेस इस सिस्टम की क्या थी, इनका इनका पर्पस था, नहीं था कि अपलिफ्ट करना इंडियन, बिल्कुल सही, मैं इस बात को एकदम एग्री करता हूँ इस बात से, क्यों क्या एग्री करता हूँ, इन लोगों ने कहा कि मास लेवल पे तैयार हूँ, लेकिन अगर इनको थ्रू आउट इनका बेस मजबूत करके अगर आप लेके जाते हो, बेस कमजोर नहीं रहता, तो सीधे आईएएस बनेंगे, ये सीधे बड़ी पोस्ट पे जाएंगे, बड़े बड़े एडवोकेट्स बनेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे, पहले इनका जो प्राइमरी एजुकेशन इनकी मीडियम में देकर ये भी खुश रहेंगे, और इनकी बेस को कर बिगाड़ दो, फिर ये इंग्लिश थोड़ा पढ़ेंगे तो इतनी अंग्रेजी में चीज़ें जान पाएंगे, इतनी चीज़ें जान पाएंगे कि ये क्लर्क बन सके, क्या बन सके, क्लर्क बन सके, ये लोअर कैटेगरी की, क्योंकि उनको मास लेवल पे क्लर्क चाहिए थे, इनको ऑफिसर नहीं चाहिए थे, इंडियन ऑफिसर, दे डोंट वांट इंडियन ऑफिसर, वो क्या चाहते थे, क्लर्क चाहते थे, और क्लर्क चाहते थे, चपरासी चाहते थे, जो थोड़ा पढ़ा लिखा चपरासी, क्योंकि ज़्यादा स्किल हो जाएगा तब तो फिर सीधे वो आईएएस बनेगा ना, तो ये मतलब क्लर्क चाहिए होता था इनको, इसलिए मास लेवल पे एजुकेशन दी जाएगी, वर्नाकुलर लैंग्वेज देख में वो चीज़ें पढ़ाकर कि उनसे डबल मेहनत कराई जाएगी, ताकि उनकी एनर्जी जो है एक सिंगल डायरेक्शन में ना लग सके, डिस्क्रीट हो जाए, डिवाइड हो जाए, और उसके बाद में जो है
उसके बाद में ये लोग जो एक तरफ से एक पर्टिकुलर ग्रुप जो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ता जा रहा है और उसी मीडियम में एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम उसका वैसे ही कम हो गया बर्डन, वो आराम से उसी को बचपन से पढ़ रहा है, उसकी बचपन वाली पढ़ाई भी काम आ रही है, जो उसका बेस है वो भी काम आ रहा है और फाइनली वो एक डिसीजन में पहुंचेगा। यहाँ क्या है कि एक बंदा पहले आधा आधा वो तक चढ़ेगा ऊपर, फिर उसको गिरा दो नीचे, फिसल के फिर वो नीचे दोबारा से उठे, तो जाहिर सी बात है वो पीछे रही जाएगा, उसकी एज निकल जाएगी, वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मसला यही था कि वो अंग्रेजी तब सीखते थे, सिक्स क्लास से वो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और बाद में सारी चीज़ें इंग्लिश में है, अब बंदा कैसे वो मैनेज करेगा, ABCD सिक्स क्लास में जो बच्चा पढ़ेगा वो कैसे मैनेज करेगा। ये चीज जो इन्होंने करी है क्लर्क तैयार करने के लिए, कि पढ़ाई लिखा इनको चाहिए था लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था कि एक एवरेज से नीचे पढ़ा लिखा हो ताकि क्लरिकल जॉब्स में, छोटी जॉब्स में हमें दुनिया भर के लोग तैयार हो जाए। ये मेरी बात है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है ये इन्होंने किया। और यही चीज की गई रूरल इंडिया के साथ। रूरल इंडिया जो है, जब आजादी के बाद भी इन नेताओं ने, इन लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन को और उसको हिंदी मीडियम में और वर्नाकुलर लैंग्वेज में रखकर यही किया कि इनको इतना ज्यादा आगे ना पढ़ाओ, इनसे इनको पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ किसके लिए, छोटी जॉब्स के लिए, बड़ी जॉब्स के लिए, क्योंकि मास लेवल पे छोटी जॉब के लिए पढ़ाओ, ये कहीं बड़ी आगे नहीं निकल जाए, इसलिए इनको कभी भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही करो। वर्नाकुलर लैंग्वेज में अच्छा मेटेरियल अवेलेबल नहीं था, अच्छी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, वही कह रहा हूँ कि मतलब इंग्लिश में अच्छे ना मटेरियल अवेलेबल, उसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज में अच्छी ट्रांसलेशन, अच्छी इंग्लिश, अच्छी मतलब लैंग्वेज बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो जब अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो जो भी पढ़ रहे हैं वो गार्बेज पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में फर्दर जब वो आ भी रहे हैं, फाइनली उनको उनकी जो पढ़ाई, जो बच्चे की नर्सरी में पढ़ाई शुरू हो रही है, वो पढ़ाई इनकी कब शुरू हो रही है, सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, ऐसे शुरू हो रही है, एट्थ नाइन्थ में शुरू हो रही है वो पढ़ाई, जो यहाँ LKG फर्स्ट सेकंड में हो रही है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो टेंथ में पहुँच गए हैं और उन इंग्लिश हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लड़के, और उनको अगर आप बोल दो कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे दो, दो चार लाइनें सुना दो, जो जो LKG UKG का बच्चा इंग्लिश मीडियम का दिल्ली का सुना रहा होगा वो नहीं सुना सकता, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता, चार सेंटेंस इंग्लिश के उसके जुबान से नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये मतलब कहानी है, कोई कोई भी चीज़ पूछ लो उसको अच्छे से नहीं पता होगा, कुछ थोड़ी बहुत मैथ वैथ में कर लेते हैं क्योंकि उसमें लैंग्वेज का वो नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा बहुत होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स नहीं अवेलेबल है तो उतना वो भी नहीं कर पाते। मैं आपको एक बार फैक्चुअल बात बता रहा हूं। तो ये मुझे लगता है कि यही चीज़ इन्होंने अपनाई और रूरल इंडिया के साथ जो गरीब इंडिया था उसको ये इसी के लिए तैयार किया कि चपरासी की जॉब के लिए, जमादारी की जॉब के लिए और छोटी मोटी जॉब्स के लिए आप तैयार रहो, ठीक है, आप ये चीज़ें करो, और बड़ी जॉब्स तो हमारी एलीट लोगों के लिए जो अच्छी क्लास में पढ़ रहे हैं, अच्छी जगहों पर पढ़ रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना भाई, मुझे तो यही लगता है। अब आपको मेरी बात से सहमत है तो बताइए, ना सहमत, इनका वहीं से सेटअप सारा ख़राब किया इन लोगों ने। और इसमें मैंने बताया कि ब्रिटिश का इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियल अपनी जो वो चीज़ें थी उसको वही मैंने बताया, बड़े बड़े क्लर्क तैयार करके। नेचर ऑफ सिलेबस जो था वो मेनली डिज़ाइन किया गया था कैसे, मतलब इंग्लिश जो ब्रिटिश एम्पायर को, इंग्लिश एम्पायर को जो है वो मतलब सपोर्ट करने वाला। और उसके अलावा जो टाइप ऑफ एजुकेशन थी मेनली ह्यूमैनिटीज़ थी, क्योंकि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन का लैक करा, ठीक है, और जॉब ओरिएंटेड नहीं रखा इसको, ताकि मतलब ये लोग टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा डेवलप ना हो सकें। रूरल एंड बैकवर्ड जो रिमोट एरियाज थे उनको ज़्यादा निगलेक्ट किया गया, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है ओनली रिच और एलीट लोग जो थे उनको हायर स्टडीज तक जाने का मौका दिया गया, और वुमेन का तो एजुकेशन तो का हाल बुरा था ही, ठीक है ना। ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है एजुकेशन का, किसको कहा जाता है, चार्टर वुड डिस्पैच को, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कुछ चेंज हुआ था। उसके बाद में सेकंड जो, तो ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है जो मैग्ना कार्टा चार्ट वुड डिस्पैच आया है। उसके बाद में आपका हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 से लेकर 1883 के अंदर रहा है, और ये जो है चार्ट वुड डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए आया था, और ये जो था बेसिकली कन्फाइन था सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, इसको प्राइमरी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसी दी जाए और क्या किया जाए उसके ऊपर बात करने के लिए इसको लाया गया था, हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये भी एक कम आया है हंटर कमीशन, और गवर्नमेंट कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़ पे कम करने के लिए। और ये भी देखा गया इस कमीशन ने कि बहुत ही फीमेल एजुकेशन का तो बहुत ही नेग्लिजिबल मतलब है, बहुत ही बुरा हाल है फीमेल एजुकेशन का। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के अंदर आया है, जो कि 1902 में रेलेक कमीशन थी उसकी, उस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर बनाया था, जिसमें सीनेट फॉलोज टू बी द मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम 100 फेलोज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये होता था कि यहाँ पे फेलोशिप वगैरह दी जाती थी यूनिवर्सिटीज़ में, और उसमें मतलब मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 जो है फेलोज नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो रेगुलेट करते थे सारा गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से सीनेट एक्चुअली अपॉइंट कर रहा है कि कौन लेक्चरर होगा, कौन प्रोफेसर होगा, कौन जो है आपका गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि कौन मतलब
यूनिवर्सिटी में देखेगा। इसका मतलब ये दिख रहा था कि अपने फेवरेट बंदों को प्रोफेसर वगैरह लेक्चर वगैरह अपॉइंट करेंगे तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर उसी तरह की एजुकेशन देंगे जो इनके ब्रिटिश साम्राज्य के फेवर में हो। तो ये यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में लाने का ये मतलब था कि यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती थी, खासकर नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग थी वो फीलिंग ना डेवलप हो, ये 1904 में आके उसके लिए जो है ये लेकर आया गया था। उसके बाद में फिर आप देखोगे कि 1913 के अंदर जो है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन पास करती है एजुकेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन द एजुकेशन पॉलिसी 21 फरवरी 1913 को। और ये पॉलिसी में ये होता था कि इलिटरेसी को रिमूव करना है और कंपलसरी एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई थी कि कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी ना, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं कहा गया था कि कंपलसरी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, किसी को कंपेल नहीं किया जाएगा पहले, बाद में फिर कंपलसरी दिया जाएगा। सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है 1917 से लेकर 18 में, इसमें जो है स्कूल कोर्स 12 साल का कर दिया जाता है कि 12 साल तक तो स्कूल कोर्स पढ़ाया जाएगा। सेंट्रलाइज्ड रेजिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटी इंक्रेज की जाएगी, मतलब रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी टीचिंग यूनिवर्सिटी जहाँ पे मतलब बच्चे रहे हो सके हॉस्टल वाले चीज़ें। स्पेशल बोर्ड बनाया जाएगा वुमेन एजुकेशन के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, और इस न्यू यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी उसके क्या नाम है रिकमेंडेशन के बेसिस पर। तो 1921 से 26 तक पटना, मैसूर, बनारस, अलीगढ़, डेक्का और लखनऊ के अंदर नई यूनिवर्सिटी डेवलप की गई। उसके बाद में 1929 के अंदर हैडटॉक कमेटी आती है। हैडटॉक कमेटी की थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन है, मैं आपको उसका पीडीएफ भेजूंगा अभी, आपका काम है, मैं अभी फटाफट बता दे रहा हूँ। वर्धा कमीशन, जाकिर हुसैन साहब जो है आपके जो है इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, उन्होंने जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टाइम पर कांग्रेस के अंडर में ये वर्धा स्कीम दी थी एजुकेशन की, बेसिक एजुकेशन की 1937 में। मैं इसका आपको डिटेल दूंगा, अभी आपको पहले वो डिस्पैच का डिटेल करना है इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं है। सर्जेंट प्लान 1944 के अंदर आया है, कंपलसरी एजुकेशन से 6 से लेकर 11 साल के, इस बात को याद रखिएगा 6 से 14 नहीं है, सर्जेंट प्लान 1944 के अंदर 6 से लेकर 11 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है, जो कि हमारे यहाँ पे आर्टिकल 21A के अंदर मेंशन है। ठीक है, राधाकृष्णन रिपोर्ट है 1948-49 के अंदर आई है, राधाकृष्णन रिपोर्ट, और उसके अंदर फिर आगे डिटेल्स हम कल बात करेंगे, कल हम लोग जो बात करेंगे वो यहाँ से बात करेंगे, फिर दोबारा से सेटलर से आगे की बात करेंगे हम लोग उसमें। और अभी मैं आप लोगों को एक मतलब नोट्स भेजूंगा, एजुकेशन के ऊपर नोट्स भेजूंगा, उसमें पूरे नोट्स में सारे डिटेल्स इसके एक एक प्लान एक एक पॉइंट दिए हुआ है, तो वो नोट्स में आपका दिया हुआ है, फिर कल मैं नोट्स पे चर्चा करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक टाइमलाइन मैंने याद करवाया है कि क्या है करेक्ट सीक्वेंस, बताइए इसका कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। 1997 का क्वेश्चन है, बताओ भाई आंसर तो फटाफट क्या आंसर होगा।